हाल ही में देखा होगा हमारा यहाँ में मैं जो स्टेटमेंट देने था उस दिन मैं क्लियर कट दे दिया है। 1,24,00,000 हमको ये पॉलिटिकल पैसा को हमको फंसाया नहीं जा रहा है, तो इसीलिए हम जो 1,24,00,000 मामूली पैसा नहीं है ना, तो वो पैसा को मेरा ऊपर में इंडिविजुअल हो हमको देना पड़ेगा, प्रसारेज करेगा तो कैसे रहेगा। तो इसलिए मैं उस दिन अफार में मैं स्टेटमेंट दिया है कि ये पैसा को हम पॉलिटिकल पैसा मानता है, तो हम उसको इंडिविजुअल नहीं दिया जाएगा। वो स्टेटमेंट वो हमको पॉलिटिकल अगर नहीं मानता है तो उसमें हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी दिया है, तो ऐसे करके वो हम अफार जो हम उसमें स्टेटमेंट जो हम सबमिट किया था, तो वो हम गोजन गादी का अगेंस्ट में जो हम सबमिट किया है उसको आज हम अपडेट पूछने गया है। तो मेरा ये भाई लोग जो हमको साथ दे रहा है, सबसे पहले हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, तो लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करते हुए भाई लोग वही है कि इतना बड़ा रकम पैसा को हमारा बड़ा भैया को कैसे फंसाने जा रहा है। वो लोग वही सिर्फ कवर को, तो वहाँ में ताना में जो आप सबमिट किया है अफार जो सबमिट किया है, तो क्या स्टेटमेंट क्या लिखा होगा, तो वो लोग भी सुनने चाहता है। और साथ में अभी तो आप लोग सोशल मीडिया का मजा देख रहा होगा, तो मेरा ऊपर में क्या क्या एलिगेशन आ रहा है, तो वो सबको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए हम अपना हम स्टेटमेंट को और हमको क्या पॉलिटिकल पैसा को क्या हिसाब से हमको फंसाने जा रहा है, तो वो हिसाब से हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का थ्रू से, तो वो हिसाब से हम थाना में अपना स्टेटमेंट कॉपी को एफ आई आर कॉपी को तो हम अपडेट वही पूछने गया। एएससी चेयरपर्सन का के ही मैंने इंटरव्यू सुना था, जोकर वाला काम कर रहा है बोलकर आप लोग, तो उसका एएससी का टीम जो हाँ स्टेटमेंट हम भी देखा था, तो हमारा चेयरपर्सन मैडम शीतल जी हाँ जोकर वाला काम किया बोल रहा है। जोकर वाला वो हम देखिए आप जब रास्ता में जब गाड़ी चलता है, जो गाड़ी को स्टार्ट होता है, आप जैसे गियर नहीं लगा के आप एक्सीलेटर दबाते रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका क्लच प्लेट जलेगा। तो इस प्रकार का एएसी लोग इस प्रकार का हो रहा है, होके बैठ गया है, तो ऐसे करके वो अनप सनप आदमी के ऊपर में एलिगेशन दे रहा है। तो इसलिए शीतल मैदान जी को तो इसका ऊपर में तो हम मेरा स्टैंड हम किसी का ऊपर में इंडिविजुअल कभी अटैक नहीं करेगा, जो है मेरा प्रोसीड्यू है वो हम कहेगा। तो यहाँ में जैसे आपका वह एएसी टीम लोग कोई लोग हमको आके टिक करेगा वो करेगा, सोशल मीडिया आप लोग देख रहा होगा, अगर ईडी और सीबीआई रिकमेंड नहीं करेगा पेमा खांडू का अगेंस्ट में, स्टेट गवर्नमेंट का अगेंस्ट में नहीं करेगा, वो हमको आके ख़त्म करेगा बोलता है, तो सोशल मीडिया क्लियरली नहीं छोड़ेगा। वो उसका एएसी का प्रेसिडेंट जो बोलता है क्लियरली बोलता है कि वो आके नहीं छोड़ेगा, तो इसके बाद वो क्या करता है, सोसाइटी को अपील करता है, ये लड़का को ये आदमी को टिक करो, बाय नियम मेरा नाम लेके टिक करो बोलता है। तो हम ये समझता हूँ, देखिए जब आप यूनियन ऑर्गेनाइजेशन में जब करता है, जैसे आप समाज के लिए काम करता है, तो उसमें कौन सा चीज़ है कि वो हर जगह में सोसाइटी जो आपको ये करना है एंट्री मारना है, सोसाइटी एम्ब्लॉब होना है, ये तो जो जानने वाला जानेगा, तो हम उसको क्या कहेगा। तो हाँ हम इंडिविजुअल उसको हम बाय नेम तम तो में बोल के हम इंडिविजुअल हम उसका ऊपर में कुछ किया है, तो सोसाइटी ऑटोमेटिक आएगा, बताना जरूरी नहीं है, कसम का आ रहा था हमको टिक नहीं करेगा, सोसाइटी का नाम से भी वो नाम से भी हाथ जाएगा ऐसे बोल रहा था। तो इसलिए है वो सोसाइटी जो है हम सोसाइटी के ऊपर में कुछ भी नहीं कहेगा, किसी का ऊपर नहीं कहेगा, तो आप और हमको सोसाइटी ऑर्डर नहीं किया है समाज का काम करने के लिए, करप्शन का अगेंस्ट काम करने के लिए, पॉलिटिक्स खेलने के लिए ऑर्डर नहीं किया, तो आप उसको समझ जाइए। लेकिन ये लोग अपना सोच से नहीं बोल रहे, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उन लोगों को मैनिपुलेट कोई पीछे उन लोगों का पीछे में वो लोग ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दो, गर्म वाला स्टेटमेंट दो, ये शिकार है वो तो हम जान रहे हैं, क्यों बोला हम गोजिन गादी तुको शीतलों का साथ में, तो हम तो 3 ईयर्स रह चुका है ना, जैसे अभी जो महिमा जो चल रहा है हम क्लियर कर
उस दिन बता चुका है, मेरा 3 साल का तजुर्बा है गोजनों का साथ में। तो अभी जो कुछ कुछ एक दो आदमी लोग काल परसों बाय टेलीफोनिक से यू में आके अभी एंट्री मार के मेरा ऊपर किला में अगेंस्ट साबल कर रहा है, उसको तो हम फर्क नहीं पड़ता है, जितना मेरा ऊपर बोलो फर्क नहीं पड़ता। हम जो बोलेगा, अगर गोजन का देन लेन का बात को हम बोलता है कि ये पॉलिटिक्स पैसा है, तो पॉलिटिक्स पैसा है हम कहने से क्या होगा, हम एविडेंस देना पड़ेगा। हम एविडेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया है तो एविडेंस पॉलिटिक्स का रिलेटेड जिगर तो हम करना पड़ता है ना, तो पॉलिटिक्स कहाँ हो रहा है वो लगना पड़ता है। ओ आप ऐसे हम लोग को पॉलिटिक्स नाम लिया है वो लिया है बोल के ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, तो उसमें हम क्या कहेगा। तो जैसे आप अभी क्लियरिफाई कर ही दिया कि ये पॉलिटिक्स जो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन जो गोजन गांधी था उसका कहना है कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जैसे आप लोग ने मुहिम चलाया शुरुआत से, तो उनका कोई इससे लेन देन नहीं है। तो जो पैसा है जैसे आपने क्लियरिफाई किया है, लेकिन भी उनका ये कहना है कि पैसा जो है आपने सालों पहले लिया गया था घर को गिरवी रख के, ऐसा उनका कहना है। थोड़ा सिंपलीफाई, थोड़ा क्लियर कर, ठीक है। आप नंबर वन वो जो बोला है कि एसीटी में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई कनेक्शन नहीं है बोला है, तो ये पॉइंट जो हम उस दिन ऑलरेडी दे दिया, हम तो उस दिन सोशल मीडिया में हम दे दिया वो इसका क्लियरली एविडेंस, जो जंतर मंतर का नाम लिया वाला को, एसीटी का नाम लिया वाला को, नाम तगाम का नाम लिया, तगाम तो शीतल का तो पति है ना, तो वो उसका माने वो भी लास्ट में आप साथ में सोशल मीडिया में देखा होगा वॉइस में, हम जो अपना कमिटमेंट है काम होने से पितिम भाई वो हो जाएगा, मेरा कमिटमेंट में रहेगा, वो क्लियरली बताया, और हम तो एविडेंस सब दे चुका है, और उसका ऊपर में तो हम क्या कहेगा। तो हम जो भी एलिगेशन डाल रहा है एविडेंस का साथ में, हम बिना एविडेंस का बाहर में मेरा कोई पावर नहीं है। ठीक है सर, अगला सवाल रहेगा कि खुदाया जी का जो उनका कहना है कि जो ये ड्यूरिंग PRC इशू आपने पैसा लिया है जो DCM चौनामेंट से, उस पर आपको क्या कहना है। देखिए जो गोवार में जो पात्र पिकेगा, मैं समझता हूँ मेरा सफेद सार्थ को भी वापस लग सकता है, इस प्रकार मैं समझ के रहता हूँ। देखिए वो भी वो ऑटोमेटिक वो तको शीतल का नाम क्यों लिया है, हमको AAC का नाम क्यों लिया बोल के वो जिगर किया है सोशल मीडिया में हला मचा किया है, और गोजन गांधी का पैसा को आप देना पड़ेगा, नहीं देगा मेरा घर घेरेगा, वो मिन लोग ऐसे करके वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे, मैं क्लियर रहे वो खुद बताए, हम तो ऑब्वियसली यही समझ के बैठ रहा हूँ, तो जानता भी सुन रहे हैं, ये तो ऑटोमेटिक तो गोजन ने डाला है, तो आप कोई डिपिन से बात कर रहा है डॉक्यूमेंट्स पा करके, ये तो शीतले डाला है वो तो। देखो ऐसी टीम तो आप क्लियरली 3-4 महीना हो चुका है, वो कुछ भी इसका अनप सनप नहीं आ रहा था, जब हम स्टेटमेंट दिया है दुख का साथ में दर्द का साथ में स्टेटमेंट दिया है, नेक्स्ट डे में डायरेक्ट फायर हो गया, मेरा गोजन का पैसा को आप क्यों नहीं देगा, ऐसी टीम को आप क्यों ऐसे चरका नहीं किया है, तो कोशितल को क्यों ऐसे चरका नहीं किया बोलो, तो मैं देखो शुरू हो गया, तो इसलिए उसको मैं क्या कहेगा, पब्लिक भी देख रहा है, तो इसलिए मैं ऐसी टीम को मैं पहले से यही चाहता था, ऐसे जानकारी वाला मैं जैसे क्योदा या जी मैदान जैसे जानकारी वाला लोग को इस टाइप का आप लोग पहले से आप लोग उन लोग का साथ में माने ऐसे काम करने था, तो अभी आप क्योदाया जी को इंडिकेट करके अभी AAC का डिफेंस में हम यही कहेगा कि वो आप AAC का आपका वोमेन स्पोक पर्सन का इस टाइप का काबिल क्योदाया जी मैदान जैसे बोला, पहले से आप लीड करने से आप लोग बहुत आगे जाता था, हम ये समझ के बेहतर है, तो इसलिए उसका ऊपर में वो अनप सनप जैसे जानवर को त्रेत कर रहे, जैसे सोशल मीडिया में चिल्ला चिल्ला के जैसे मार्केट पाइटिंग करेगा, जैसे चिल्ला चिल्ला के बेहतर है, उसको भी कोई चैनल लोग भी जैसे चैनल जो उसका ये करता है कवरेज करता है वो लोग भी उसको समझा के बोलने देना चीज़ को ना, ये लैंग्वेज में शोभा नहीं होता है, तो चीज़ को वो लोग भी जानना जरूरी था, तो इसलिए मेरा ऊपर एलिगेशन डाला है किसी मिनिस्टर का से पैसा करोड़ रुपया लिया है एकदम कंफर्म है, बोलकर खुद बता रहे चिल्ला चिल्ला के वो मीडिया में, मेरा सब कुछ रिकॉर्ड हम रखा है, उसको आजकल संविधान से हम भरा नहीं है, कानून उसको देखेगा वो प्रूफ कर सकेगा होगा, कब लिया था मनी रिसीव होगा डेट एंड टाइम होगा वो दे सकेगा होगा, वो मेरा लीगल एक्सपर्ट लीगल नोटिस एक दो दिन में पहुंचेगा होगा क्योदाया जी का हुआ में, वो प्रूफ करेगा, वो कल को भी वो जो भी उसको एलिगेशन डालते रहने मेरा ऊपर डालते रहने से भी
वो प्रूफ का साथ में आप लोग एलिगेशन जो डाल रहे प्रूफ का साथ दीजिए ना, कल को जितना डालते जाओ वो तो एलिगेशन चलते रहेगा, हम तो प्रूफ मांगते रहेगा चीज जो वही है उसको हम बरास नहीं समझता हूँ। वो हम उस दिन हम पूरा मेरा स्टेटमेंट पूरा दिया, मैं क्यों निकला हूँ और मैं कैसे लीड किया था वो पूरा हम एविडेंस उस दिन दे चुका है। तो चीज हम उसमें यहाँ में जब हमको लीड करने दे रहा है जो मेरा टीम को, तो हाईजेक क्यों करने दिया है, जो एंट्री कैसे मारने दिया है, दो ग्रुप क्यों बनाने का बात, अरे हर कोई अपना गोल्ड मेडल हासिल करने चाहता है, उसमें कोई जंपिंग मार के आएगा तो हर कोई इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना, ऐसे हो जाते। इस प्रकार हम सब कुछ एविडेंस उसमें आप सोशल मीडिया में मिल जाएगा, उसमें हम क्यों बैग हुआ क्या नहीं हुआ उसमें क्लियर कट हम बता चुका है। और ये एसएससी टीम का वो अभी जो वह मुहिम चल रहा है उसका ऊपर में हम तो कुछ भी इसका ऊपर में हम आगे पीछे और अगेंस्ट और सपोर्टिंग वो कुछ हम नहीं कह देगा। ये आज हम क्यों निकल, रीजन को तो हम बताए जो पब्लिक भी समझ जाना है, हम क्यों भड़क गया है 1 करोड़ 24 लेक्स को, उसको अभी हमको मांग रहा है, तो मांगने का बाद मैं देने के लिए मैं आपसे नहीं ले आता, आप लोग एक सिस्टम बनाएगा बोला है, बाद में न्यू चीफ मिनिस्टर बनाने का बाद पेमा खांडू को हटाने का बाद, तो हम लोग ये रहेगा कि 1 करोड़ 24 लेक्स पीतिम्बा ने रेक्स लिया है और उसके बाद जो मेरा जो 25 लाख का भी वो ऐसे करके आपका परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगा हम लोग न्यू चीफ मिनिस्टर का साथ में। तो ये हम लोग हमको पुछला के ये चीज से हुआ है बोल के हम वहाँ बताया, ये इसलिए मेरा ये एसी का उसमें आप जो अभी सवाल किया क्यों निकाला कैसे हुआ, तो हम हुई है ये 1 करोड़ 24 लाख का हमको मांगने का वजह, इसलिए तो हम उपाय नहीं होके तो हम ये सच्चा को यही साबित करने के लिए तो यही बरास है ना। 1 करोड़ 24 लाख का जो हमको मांग रहा है उसको नंबर वन गौर कीजिए, गोजिन जो हमको आप ले वापस देना पड़ेगा बोल रहे हैं, तो हम क्या कह रहा है कि ये पैसा हम इंडिविजुअल हमको मांगेगा बोल के कभी नहीं सोचा था, हम ये बोल रहा है कि ये पॉलिटिकल में यूज़ हो गया, पॉलिटिकल पैसा है, तो हम इसलिए पॉलिटिकल कहाँ लास्ट में और कहाँ आ जाता है कि हम उसको पॉलिटिक्स पैसा है बोल देते हैं, तो हम पॉलिटिक्स माने उसमें कनेक्टेड वाला हम रिविलेश डॉक्यूमेंट्स हम नहीं देगा तो मेरा क्या रहेगा ना। तो इसलिए हम यही बोल रहा है कि ये पॉलिटिक्स पैसा को हम गोजिन का साथ में कहाँ कहाँ वो हमको पॉलिटिक्स में यूज़ हुआ है कैसे कैसे वो हम पूरा एविडेंस दिया है। तो इसलिए आप लोग बोलता है कि एसीसी का बात क्यों लेता है वो क्यों लेता है, वो पैसा को हम पॉलिटिक्स पैसा बोल दिया तो हम पॉलिटिक्स कहाँ कहाँ हुआ था हम बताना पड़ता है तो ऐसा है। तो इसलिए पब्लिक को हम यही बोलेगा कि देखिए हर कोई मीडिया में ट्रोलिंग करना, हम उस दिन भी बोला है ये ट्रोलिंग करना कोई मालिक नहीं है, वो अपना मर्जी है जो ट्रोलिंग करना कर सकते। कोई कोई कमेंट्स में लिखता है जैसे हमको 25 लाख आप कहाँ से लेके आपको भी सीबीआई काम करना पड़ेगा बोलता है, हम तो ये कहता है अरे यार डिजिटल जमाना है आज का दिन में डिजिटल का जमाना है और आज का दिन में एक बिल्डिंग मिस्त्री का पास भी 25 लाख होता है कमाई होता है 30-40 लाख कमाई होता है। हम एक देश का नागरिक है, हम यहाँ का एक लोकल अरुणाचल का एक लोकल है, यहाँ का एक हम ट्राइबल सिटीजन का हिसाब नाते हिसाब से, तो हमारा ट्राइबल का क्या है एक जमीन बिक्री करने से 25-30 लाख हो जाता है। तो इस प्रकार को उसको आप लोग ये चीज़ को नहीं होने वाला चीज़ को कोई लोग ट्रोलिंग नहीं करने से ठीक है, आपका ट्रोलिंग से हमको कमज़ोर होगा और हमको ये होगा, आप लोग मत सोचिए आप लोग का ट्रोलिंग से हम कुछ जवाब देने वाला नहीं है, पब्लिक वही सच्चा को आप लोग देखते रहिए। और हम यही कह रहा है, हम उस दिन भी बोला है मेरा ये शुरू है सिर्फ स्टार्टिंग है, गोजिन गांधी का और डेंजर एविडेंस और मेरा पास है और भी डेंजर एविडेंस मेरा पास है, वो हम आज ये सोशल मीडिया में बोलते और हमको ज़्यादा करेगा वो भी हम डोमेन में निकालेगा वो भी, तो इसलिए हमको ज़्यादा चरका नहीं मत कीजिए और भी मैं डेंजरस सबूत रखा हूँ।